24 घंटे पहले जब यहाँ पर एक बड़ा सा गेमिंग जोन था, बहुत सारे बच्चे अपने परिवार के साथ आए थे खेलने कूदने के लिए, लेकिन 24 घंटे बाद क्या हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक खंडहर में तब्दील हो गया है ये पूरा इलाका। टीआरपी जो गेम जोन था वो खंडहर बन गया है और यहाँ पर आग जो जल रही थी वो राख में तब्दील हो गई है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात यहाँ पर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये मलबा हटाया जा रहा है, मलबे के नीचे से भी यहाँ पर जो खोदकाम किया गया है, तो उसमें से मिला है मानव अवशेष। ये जो आप देख पा रहे हैं, सीधे मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी कि ये जो आप देख पा रहे हैं वो मानव अवशेष है, जिसका ये मतलब है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर था कि जो जिसका पूरा बॉडी नहीं मिल पाया है, उसका बॉडी तहस नहस हो गया है, ये इस बात का पुरावा है। यहाँ पे एक रिंग भी है, आप देख सकते हैं रिंग है, यहाँ पर की भी हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो मोबाइल है उसके भी यहाँ पर पार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका या क्या है सर, ये रिंग आप हाथ में ले लो, किसी को मालूम हो जाएगा कि ये रिंग अपना है तो उसको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जी, मैं थोड़े नजदीक से मेरे कैमरा मैन को बताना चाहूंगी कि ये जो रिंग है थोड़े नजदीक से दिखाएं। मैं नहीं छू पाऊंगी सर, मैं नहीं छू पाऊंगी, लेकिन ये रिंग हम दिखाना चाहते हैं कि अगर किसी के परिवार की हो तो ये यहाँ से उनकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हमें यहाँ ये जो मलबा है वहां से ये रिंग हमें मिल पाई है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनको भी हम शाबाशी देना चाहेंगे कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में भी ये यहाँ पर इस तरह से ये जमीन के नीचे से भी खुदाई कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किसी की रिंग है, अगर ये किसी के परिवार की सदस्य की है, ये मेल मेंबर की लग रही है सर, मेल मेंबर की लग रही है, यानी किसी पुरुष की है ये रिंग। अगर ये रिंग न्यूज 18 गुजराती पर कोई परिवार देख रहा है जिसका परिवार का सदस्य अगर नहीं मिल पा रहा है, तो ये रिंग के माध्यम से ये देख सकते हैं कि शायद इनके परिवार का सदस्य यहाँ पर रहा होगा और शायद उन्हीं की ये रिंग होगी। और हाँ, यहाँ पे और क्या मिला था? हाथ का कड़ा, हाँ। वो कड़ा पेड़ता है, उसका हाथ का कड़ा मिला जी। वो उसी की विटी उसकी होगी, तो मेल मेंबर की लग रही है। हाँ, मेल पुरुष है। और क्या क्या यहाँ पर ये जो खुदाई अभी भी चल रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सफेद कपड़ा लाया जा रहा है। और ये सफेद कपड़ा क्यों लाया जा रहा है यहाँ पर? वो लाश वगैरह होता है उसमें डाल के शाम को वही ले गया और अभी उसको ही ले जाता है। जी। चाहे अगर पूरा बॉडी हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मानव अवशेष है इसलिए उसको सफेद कपड़े में लिपटा जाता है जी। तो क्योंकि ये रीत रिवाज है, संस्कृति है, और इसका ही यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सफेद कपड़े में ये जो मानव अवशेष जो मिले हैं उसको रखा जा रहा है, इसके बाद इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और इसके बाद इसकी भी चेकिंग हो पाएगी। यहाँ पर इसका भी रिपोर्ट निकाला जाएगा कि आखिर ये किसका है, क्योंकि DNA सैंपल भी लिए गए हैं परिवारों के, जिनके परिवार के सदस्य मिसिंग है उनके DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। तो अब इसकी भी जाँच होगी, ये जाँच होगी। क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे जांच होगी? ये जो मानव कंकाल मिल रहा है FSL में जाएगा, वो रिपोर्ट हाँ, सिविल में जाएगा, जाएगा। वहाँ से रिपोर्ट होगा और हाँ, किसका है कौन है उससे मालूम पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे किसी की मिली है, किसी का कड़ा मिला है, कड़ा मिला है, दोनों मिला है, और मोबाइल है, मोबाइल तो पूरा नष्ट हो गया है, उससे मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन की जो मिली है और रिंग है उससे शायद मालूम हो सकता है कि किसी सदस्य के घर की शायद ये चाबी होगी, या फिर किसी सदस्य के जो अंगूठी है हाथ में पहनी होगी वो यहीं पर रह गई है। और शायद ये जो भाई साहब है वो यहाँ पर काफ़ी समय से है, वो बता रहे हैं कि शायद एक ही ये बंदा हो सकता है जो पुरुष है, जिसकी एज भी शायद थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जो रिंग है उसकी जो चौड़ाई है उससे ये मालूम हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये कौन होगा, परिवार के जो सदस्य है वो अब किस तरह से इनको पहचानते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच भी अभी भी ये जो है जमीन के नीचे से देख रहे हैं कि कहीं और भी मानव अवशेष मिल रहे हैं या नहीं, इतनी धूप में भी इस तरह से ये देखा जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश देसाई के साथ संध्या पंचाल, न्यूज 18 नेटवर्क, राजकोट।